सुबह ही सुबह आपके सामने वॉर अपडेट की एक बड़ी जानकारी लेके आया हूं। रूस और यूक्रेन के जंग के बीच का एक बड़ा कांड सामने आया है। आपको बता दूं कि यूक्रेन के गृह मंत्री की मौत हो गई है और कातिल खुद यूक्रेन है। दोस्त ज्यादा समय नहीं लूंगा, रिपोर्ट यह है कि कल यूक्रेन के गृह मंत्री हेलीकॉप्टर में सवार थे और उनके साथ टोटल 8 लोग थे। यूक्रेन की राजधानी कीव से यह हेलीकॉप्टर उड़ा, धुंध थी, कुछ वक्त पहले खतरनाक बर्फबारी हुई थी, कोहरा था और इसी कोहरे के दौरान यूक्रेन की सेना ने हबड़ तबड़ में गलतफहमी में अपने ही हेलीकॉप्टर पर हमला कर दिया, जिसके बाद वो हेलीकॉप्टर दंदनाता हुआ किंडरगार्टन बच्चों के स्कूल के बेहद करीब जाकर क्रैश हो गया, जिस क्रैश में 3 बच्चे छोटे छोटे उस स्कूल में जो थे वो मारे गए, जो गार्डन में खेल रहे थे वो बच्चे घायल हुए, टोटल 18 लोग मारे गए। हेलीकॉप्टर में गृह मंत्री समेत जो उनके साथी थे वो और जहां हेलीकॉप्टर गिरा जो चपेट में आए वो लोग मारे गए। दोस्तों यूक्रेन ने अभी तक ऑफिशियली जानकारी नहीं दी है, क्योंकि वो कैसे कहे कि हाँ हमसे गलती हुई है। ये गलती छुपाने के लिए अलग अलग तरह की बातें की जा रही हैं। यूक्रेन ने आधिकारिक रूप से नहीं बताया है और जेलेंस्की ने काफी दुख जताते हुए मरने वालों को देशभक्त घोषित किया है। कमाल यह है कि इल्जाम रूस पर लगाने की कोशिश की जा रही है, जबकि ये क्लियर कट बातें खुद यूक्रेन के दूसरे समूह कह रहे हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पर कि यूक्रेन की सेना ने रूस के खौफ में कंफ्यूजन में आकर अपने ही हेलीकॉप्टर को मार गिराया। अब हेलीकॉप्टर के गिरने के बाद जो तबाही हुई है देखिए। दोस्तों आपने देखा कैसा खतरनाक एक्सीडेंट था, इसको एक्सीडेंट नहीं कहना चाहिए, अपने पैर पर कुल्हाड़ी कहना चाहिए। रूस का इतना खौफ कि यूक्रेन ने अपने ही हेलीकॉप्टर को अपने ही गृह मंत्री को मार दिया। वाह बहुत बढ़िया। ये देखिए इसके बाद सफाई दफाई शुरू हुई, जैसे तैसे उस इलाकों को जल्दी जल्दी साफ किया गया। और मैं तो यही कहूंगा कि जेलेंस्की की सरकार अपने डिप्टी मिनिस्टर की मौत के सारे सबूत इस सफाई के नाम पर मिटा रही है। इल्जाम रूस पर लगाने की कोशिश है, लेकिन रूस ने जिस वक्त यह क्रैश हुआ है कोई अभी तक यहां हमला नहीं किया था। बहरहाल यूक्रेन की सरकार इस पर अभी पूरी तरह से खामोश है। दोस्तों आपने देख लिया यूक्रेन का इस जंग में अब तक का जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है, अपने ही गृह मंत्री मार दिए हैं, उन्होंने खुद मार दिया है, यह सबसे बड़ा यूक्रेन का नुकसान है। दोस्तों इस जंग में अभी तक का यूक्रेन का जो सबसे बड़ा लॉस है वो यही था। बेफिक्र रहिए, शाम को फिर आऊंगा आपके सामने रोज की तरह वॉर अपडेट के साथ। यह बड़ी खबर थी, इंतजार नहीं हो रहा था, दर्द हो रहा था पेट में, तो आपके सामने रख दिया। चलिए जय हिंद।